Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जो alternation of generation होती है, haploid stage से diploid stage में जाना और diploid stage से haploid stage में किसी भी plant की life cycle का होना, इसे बोलते हैं alternation of generation. के तीन तरीके से हो सकती है. Haplontic life cycle हो सकती है, जिसमें haploid phase dominant है. Diplontic life cycle हो सकती है, जिसमें diploid phase dominant है. And haplodiplontic life cycle हो सकती है. First of all, हम study करेंगे haplontic life cycle. जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वन सेल्ड जाइगोट. जाइगोट हमेशा याद रखना इज ऑलवेज डिप्लॉयड इन नेचर, हमेशा 2n की फॉर्म में प्रेजेंट होगा. नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट आर प्रेजेंट. मियोसिस होगी जाइगोट में एंड क्या फॉर्म होगा, स्पोर्स फॉर्म होंगे. स्पोर्स आर एन और हैप्लॉयड बिकॉज मियोसिस के बाद क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन के बाद क्या होता है, हैप्लॉयड स्पोर्स फॉर्म होते हैं. या फिर अगर 2n है, डिप्लॉयड है तो हैप्लॉयड बन जाएगा. स्पोर्स फॉर्म हुए देन गैमेटोफिटिक स्टेज आती है. माइटोसिस होगी, माइटोसिस होगी स्पोर्स में, क्या फॉर्म करेंगे, गैमेटोफिटिक स्टेज आएगी, दैट इज ऑल्सो हैप्लॉयड इन नेचर बिकॉज माइटोसिस हुई है. देन गैमेटोजेनेसिस होगी, गैमेट्स फॉर्म होंगे, सिनगैमी होगी, फर्दर जाइगोट फॉर्म होगा. इन सब में हमने क्या देखा कॉमन, जो जाइगोट फॉर्म हुआ है दैट इज डिप्लॉयड इन नेचर एंड रेस्ट ऑफ द फेजेस ऑफ और लाइफ साइकिल जो है दैट इज हैप्लॉयड इन नेचर. सो डोमिनेंट फेज क्या है इसमें, हैप्लॉयड फेज इज डोमिनेंट. इसीलिए इस तरह की लाइफ साइकिल में जिसमें हैप्लॉयड फेज डोमिनेंट होता है उन्हें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स बोलते हैं. दिस इज फाउंड इन एल्गे सच एज वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा एंड सम क्लेमाइडोमोनास स्पीशीज. कमिंग टू द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट इज 2n, जायगोट इज 2n एंड देन क्या होगा, मियोसिस होगी और गैमेट्स फॉर्म होंगे. सो जो ये गैमेट्स हैं, जो गैमेट्स फॉर्म होंगे दे विल बी हैप्लॉयड. इस स्टेज में क्या है, हमने क्या देखा इस स्टेज में, दैट सिर्फ जो गैमेट्स हैं दे आर हैप्लॉयड इन नेचर. गैमेट्स आर हैप्लॉयड इन नेचर, रेस्ट ऑफ द लाइफ साइकिल किसी भी ऑर्गेनिज्म की या प्लांट की जो है दैट इज डिप्लॉयड इन नेचर. तो इसमें क्या है, डिप्लॉयड फेज इज डोमिनेंट. इसीलिए इस तरह की लाइफ साइकिल को बोलेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. कहाँ प्रेजेंट होती है ये, प्रेजेंट होती है इन ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. नाउ कमिंग टू द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स एग्जिबिट करते हैं कुछ इंटरमीडिएट कंडीशन जिसमें डिप्लॉयड और हैप्लॉयड स्टेज जो है वो दोनों इक्वल अमाउंट, इक्वल जो है उनका लेवल होता है, उसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक. बोथ फेजेस जो होते हैं दे आर मल्टी सेलुलर, हाउएवर दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेजेस. लेट्स सी, जो स्पोरोफाइट है दैट इज 2n, जाइगोट इज 2n, मियोसिस होगी स्पोर इज n, गैमेटोफाइट इज n. सो इसमें क्या है, स्पोरोफिटिक स्टेज और यू मे कॉल इट एज डिप्लॉयड स्टेज जो है एंड हैप्लॉयड स्टेज, दोनों की वेटेज इक्वल है, दोनों ही डोमिनेंट है. इसलिए इन इस तरह की लाइफ साइकिल को बोलेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल.